हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज में जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं उनकी। तो जैसे कि लास्ट लास्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस की कि सी में कैसे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, क्या सावधानी रखी जाती है और क्या यूज़ होता है। तो देखिए, सी में जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता है उसमें दैट कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बोलें तो आप ये समझ लीजिए, जो हम लोग अपने सिंपल मैथमेटिक्स में जो इक्वल टू साइन होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, सी लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। पहली बात तो ये अभी समझ लीजिए, फिर आगे ऑपरेटर आएगा तब तो ये बात आएगी, लेकिन इसको बगैर समझे आगे गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि सी लैंग्वेज में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नेम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जैसे हम लोग जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसी को लेके चल रहे हैं, तो हम लोगों ने कैसे कहा था, ग्रॉस सैलरी लिखा था, जी एस ग्रॉस सैलरी ये लिखा हमने, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, इज इक्वल टू लगा दिया ये, और वेरिएबल नेम्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, और उसके बाद हमने लिखा था बेसिक सैलरी प्लस डी ए प्लस एच आर ए। तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है कि इधर वेरिएबल होते हैं, इधर वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, इस तरह की इंस्ट्रक्शन को अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो केवल यही नहीं, मान लीजिए आपने से ऐसा लिखा, आपने इधर कोई वेरिएबल लिखा वाई और वाई इक्वल टू आपने लिख दिया एक्स प्लस फोर, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड वेरिएबल रहेगा जिसकी वैल्यू निकालनी है, और इस साइड राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स जैसे भी इक्वेशन आ रही है वो हो सकते हैं। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड असाइनमेंट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमने आपको लिख दी, अब जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन कर लें या कुछ भी ले हम लोग किसी, जैसे सपोज कीजिए हमने कोई और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखा लिया, हमने लिखा कि से जेड इक्वल टू हमने लिख दिया एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस, ठीक है, 3.2 इंटू एक्स। तो इस तरह भी आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो दिस इज ऑल्सो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मेन जो चीज़ें हैं आपको वो हमने ये बेसिक चीज़ बता दी। अब इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। तो ये अभी जो हमने आपको बताया था कि ये राइट साइड में जो आप देते हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स दे आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब वो डेटा जिसके ऊपर ऑपरेशन होना है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन अर्थमेटिक स्टेटमेंट द ऑपरेंड्स ऑन राइट हैंड साइड आर ऑपरेटेड अपॉन बाई अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो देखिए, जो ये जो ऑपरेंड है आपके एक्स है वाई है, यहाँ एक्स है, इनके ऊपर ऑपरेशन होता है किसके द्वारा, ये जो अर्थमेटिक, ये जो ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ये ऑपरेटर है, ये डिवीजन ऑपरेटर है, इनके द्वारा। तो मेन यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि राइट हैंड साइड आर ऑपरेटेड अपॉन बाई द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड द रिजल्ट इज देन असाइंड यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी इसको। जैसे अगर मान ली कन्फ्यूजन हो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा से एक्स की कोई वैल्यू ले लीजिए, एक्स हमने लिया टू, वाई हमने ले लिया से फोर। ठीक, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप ये देखिए, एट टू इंटू फोर ऑब्लिक टू प्लस 3.2 इंटू टू। तो ये हो गया आपका दो से दो दूनी चार, दो दूनी चार आ गया, प्लस चार इंटू छः, तो ये आ जाएगा छः चार दस, 10.4। तो ये जो 10.4 वैल्यू आएगी ये किसको असाइन हो जाएगी, ये असाइन हो जाएगी इस जेड को। ठीक, तो इस तरह से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। अब इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ देखना होगा, अच्छा, कि जो भी ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या अर्थमेटिक
स्टेटमेंट कह लीजिए, तो जो अर्थमेटिक स्टेटमेंट होते हैं वो जनरली तीन टाइप, अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स वो जनरली तीन तरह के होते हैं, 1, 2 और 3। पहला क्या होता है, इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेटमेंट ऑल ऑपरेंड्स आर आइदर इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कॉन्स्टेंट। मतलब इसमें आप जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सारे जो वेरिएबल हैं, जितने भी ऑपरेंड हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, वो सारे आपके या तो इंटीजर वेरिएबल होंगे या इंटीजर कांस्टेंट होंगे, मतलब इंटीजर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि आपने डिक्लेयर किया इंटीजर वाई कॉमा एक्स, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो आप देख रहे हैं ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो जो भी ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर होंगे और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर होगा। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। फिर अब आप नेक्स्ट आ जाइए रियल मोड, रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेंड्स हैं वो या तो रियल कांस्टेंट होंगे या रियल वेरिएबल होंगे। मतलब क्या हुआ कि रियल कांस्टेंट या रियल वेरिएबल मतलब पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, यानी हम उसको डिक्लेयर, जैसे हमने डिक्लेयर किया से फ्लोट वाई कॉमा एक्स, ठीक है, और वाई इक्वल टू आपने लिख दिया, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक क्वेश्चन बना दीजिए, आपने कहा कि वाई इक्वल टू आपने लिख दिया एक्स डिवाइडेड बाई से हमने कहा 7.5 ऐसे। तो देखिए इसमें जो भी ऑपर चाहे, ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये जो आपने कांस्टेंट यूज़ किया है ये भी रियल कांस्टेंट है। तो जब ऑपरेंट्स रियल होते हैं दे आर कॉल्ड रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। अब मिक्स्ड मोड में क्या होगा कि दोनों तरह के होंगे, मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। तो जैसे हम लोग अभी एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, जो प्रोग्राम हमने बनाया था बेसिक सैलरी वाला, वो मिक्स मोड ही था। क्यों, उसमें हमने बेसिक सैलरी इंटीजर डिक्लेयर की थी, याद है आपको, नहीं याद है तो उस वीडियो को रिफर कर लीजिए, और बाकी चीज़ें जो हमने फ्लोट डिक्लेयर की थी, मतलब बाकी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे डीए एचआरए और ग्रॉस सैलरी, ये हमने फ्लोट मतलब रियल, यानी ये पॉइंटों में भी आ सकता है, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने किया था कि साहब डीए को कैलकुलेट किया था 40 इंटू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 100 किया था, ठीक। ऐसे ही एचआरए हमने किया था, 20% था तो 20 इंटू, उस प्रोग्राम को जरूर अपने साथ याद रखिए, ये किया था। फिर हमने लिखा था ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए और प्लस एचआरए। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है जहाँ पे ऑपरेंड इंटीजर भी होते हैं और रियल भी होते हैं, देखिए इसमें क्या है, बीएस इंटीजर, इसमें ऑपरेंड इंटीजर है, इसमें ऑपरेंड इंटीजर है, लेकिन इस स्टेटमेंट में ऑपरेंड ये तो इंटीजर है, ठीक, और ये दोनों क्या है, ये भी रियल है और ये भी रियल है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट, ठीक। तो जनरली यही तीन तरह के अर्थमेटिक स्टेटमेंट या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि हाउ एवर द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस लुक वेरी सिंपल टू यूज बट वन ऑफन कमिट्स मिस्टेक्स इन राइटिंग देम, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है कि देखिए, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है या तो क्लास 3rd वाली चीज है, आप पढ़ा रहे हैं इसको, पढ़ा इसलिए रहे हैं कि देखने में ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं या सी लैंग्वेज में यूज करते हैं तो कुछ जिसे कहते हैं जनरली अकर मिस्टेक या कुछ वो मिस्टेक जो अक्सर हो जाती हैं उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्या है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सी अलाउज ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड
यानी क्या हुआ कि जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड में, आप इधर जैसे हमने बनाया था कि जी एस, ये लेफ्ट, इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में केवल एक वेरिएबल रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इधर आप चाहे जितने कर सकते हैं, आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, फिर आप कुछ और भी प्लस 100 भी कर सकते हैं, फिर आपने कहा प्लस से बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 5 भी, मतलब राइट साइड में आप कितने भी वेरिएबल रख सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में केवल एक वेरिएबल रहेगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखने वाली है। सेकेंड आप आ जाइए कि इन एडिशन टू द डिवीजन ऑपरेटर सी ऑल्सो प्रोवाइड्स ए मॉडुलर डिवीजन ऑपरेटर। तो वो तो खैर अभी हम लोग ऑपरेटर आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, हालांकि तब भी यहाँ पे बता देते हैं कि मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, फिर आएगा दोबारा पढ़ा देंगे, मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर। ठीक, मतलब डिवीजन ऑपरेटर तो जैसे सपोज कीजिए आपने डिक्लेयर, आपने कहा कि आपने डिक्लेयर किया फ्लोट वाई कॉमा एक्स, ये अब वाई इक्वल टू आपने लिख दिया एक्स डिवाइडेड बाई 5, ये तो है ही है। अब जो मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर होता है उसका साइन क्या होता है, ये जो परसेंटेज साइन हम लोग नॉर्मली लेते हैं, ये दिस इज कॉल्ड मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर। ये क्या करता है कि इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग वन इंटीजर विद अनदर। तो यहाँ पे तो देखिए, मान लीजिए अब यहाँ पे सपोज कीजिए हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज कुछ लीजिए तब क्लियर होगा। तो हमने कहा कि एक्स को हमने ले लिया से 10, ठीक है, तो इसको ऑपरेट जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वाई में कितना आ जाएगा, 10/5, मतलब वाई में 2 आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर होता है, अब मान लीजिए आपने लिखा कि वाई इक्वल टू एक्स मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर 5, ठीक, तो ये अब एक्स में क्या दिया है हमने, 10 दिया है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर 5। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये डिवाइड करेगा इसको और जो रिमाइंडर बचेगा वो देगा रिजल्ट में। तो आपको मालूम है कि अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, और रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो वाई में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग वन इंटीजर इंटीजर विद अनदर। मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक्स में हमने दे दिया 3, तो जब आप वाई इक्वल टू एक्स, एक्स में क्या दे दिया आपने, नहीं तो 3/5 करेंगे दिक्कत हो जाएगी, और बड़ा से 13 कर दीजिए, ठीक, तो 13 मॉडुलस ऑपरेटर 5 जब आप करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप देखिए 5 से डिवाइड कीजिए 13 को, 5 दूनी 10, कितना बचा, 3 ना, तो ये वाई में 3 आ जाएगा। तो सी लैंग्वेज में ये मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर का रोल अलग है, और डिवीजन ऑपरेटर तो जैसे नॉर्मली यूज होता है वो यूज होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में ध्यान देने वाला वो ये है, से पॉइंट हमने कहा सी, एन अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इज एट टाइम्स यूज फॉर स्टोरिंग करेक्टर कॉन्स्टेंट्स इन करेक्टर वेरिएबल। ठीक है, मतलब देखिए क्या मतलब हुआ कि जैसे आपने करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी सी, ठीक, अब आपने कहा कि सर ए में हमें कैपिटल ए देना है, या मान लीजिए या आप लोग रिलेट करके कंफ्यूज हो जाए, आपने कहा सर ए में हमको पी देना है, बी में हमें कुछ भी ले लीजिए से जेड देना है, सी में हमें डी देना है, तो ये वैल्यू असाइन करनी है। तो असाइन करने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले आपको करेक्टर कांस्टेंट बनाना होगा। करेक्टर कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, इसको कॉमा में कर देंगे, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हमने लिख दिया ए इक्वल टू पी, ये तो ये देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये ए के अंदर पी डाल देगा, कैपिटल पी, बी की वैल्यू क्या कर देगा, बी वैल्यू हमने लिखा जेड, तो बी में जेड डाल देगा, सी को हमने लिखा क्या, डी। तो ऐसे आपको ये कॉमा, ये जो हमने कोट्स बना रहे हैं ये जरूर लगाना होगा, तभी
दिस विल बी ट्रीटेड एज करेक्टर कांस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन इंटीजर्स फ्लोट्स एंड करेक्टर्स। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये तीनों पे परफॉर्म हो सकते हैं, इंटीजर पे भी, फ्लोट पे भी और करेक्टर पे भी। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नो ऑपरेटर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटेन एक्सप्लिसिटली। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑपरेटर नहीं, नो ऑपरेटर इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटेन एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए, हम एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं आपको कि ए इक्वल टू सी टू डी इन टू बी एक्स वाई, ऐसे लिख, ये स्टेटमेंट है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल हमारा यूजुअल अर्थमेटिक स्टेटमेंट है। ठीक, इसको जब आप सी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए सी इंटू डी इंटू बी। अब यहां पे देखिए बी और इस ब्रैकेट के बीच में यहां पे कोई ऑपरेटर नहीं है, तो नॉर्मली हम लोग जो अभी तक मैथमेटिक्स करते आए हैं, 10+2 लेवल या बीटेक लेवल या जो भी है, तो ऐसे रहता है। तो हम अंडरस्टूड है कि साहब ये इनटू है, तो कंप्यूटर अंडरस्टूड को नहीं समझता है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इनटू करना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर को, चाहे आपका जितना बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे आपका जितना पावरफुल कंप्यूटर हो, जितना आप बोलेंगे, उसके पास ये IQ नहीं है कि वो बी एक्स वाई लिखा हुआ है तो वो अपने आप समझ जाए कि यार बी इंटू एक्स वाई करना है। नहीं, यही यही डिफरेंस है कंप्यूटर में और ह्यूमन माइंड में, इसीलिए आज तक ह्यूमन माइंड ही टॉप पे है या सुपीरियर है देन कंप्यूटर। जिस दिन ये प्रॉब्लम दूर हो गई, उस दिन कंप्यूटर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा बी इंटू एक्स है, फिर एक्स वाई। आप कहेंगे सर अरे एक्स वाई का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, तो आपके लिए हो गया, ह्यूमन के लिए हो गया, हमारे लिए हो गया, लेकिन एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई है, तो लिखना पड़ेगा आपको एक्स इंटू वाई। तो इसीलिए इसी को बोला हुआ है, ब्रैकेट आप लगाना चाहे, ब्रैकेट लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा लीजिए, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। तो सी स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन का, ये एक्सप्रेशन ऐसे आप देंगे एरर दे देगा, यहाँ पे आके वो कंफ्यूज हो जाएगा कंप्यूटर। इसलिए आपको सी स्टेटमेंट में आपको इस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके बाद एक पॉइंट और है ध्यान रखने वाला आपका, कि देयर इज नो ऑपरेटर इन सी। ये हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सी में एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के लिए, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के लिए कोई ऑपरेटर डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो इसका, वजह से आपने कहा कि सर मान लीजिए हमें x की पावर y कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए हमने x में से, x में दे दिया 2, y में दे दिया हमने 3, तो आपका ये कहना है कि सर 2 की पावर 3 मतलब ये हमें कैलकुलेट करके 8 दे दे। ठीक है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट कोई ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन के लिए डिफाइंड नहीं है सी में। लेकिन ऐसा तो आप कहेंगे सर ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इसको करते हैं। ये एक आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज होता है इसमें, पावर POW और ये लाइब्रेरी फंक्शन है, इसको यूज करके हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे जब ये आएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे ये पावर, किसी भी उसका पावर कैलकुलेट होता है। या चलिए इसको भी बता ही देते हैं, एक्चुअली लेक्चर लेंदी हो जाता है ना, तो आप लोग इंटरेस्ट खो देते हैं, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर रहा था। एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ आपको,
पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पावर पावर कैलकुलेट करेंगे, आपने क्या किया, आपने कहा इंक्लूड stdio.h, ठीक। फिर चूंकि मैथ पावर फंक्शन, देखिए पावर फंक्शन जो यूज होता है वो आपकी मैथ जो हेडर फाइल होती है उसमें डिक्लेयर रहता है इंक्लूड, तो आपको ये फाइल math.h इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर आप पावर फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। फिर आपने लिखा इंटीजर मेन, ठीक। यहाँ आपने डिक्लेयर किया कोई फ्लोट ए, और ए इक्वल टू आपने लिख दिया पावर POW, ऐसे ही आप लिखेंगे कॉमा, अरे ब्रैकेट, आपने ये लिखा 3.0, फिर दूसरा ऑपरेंड दिया 2.0 और ये बंद। अब ए में वैल्यू आ गई, आप इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ परसेंटेज एफ ए, ठीक। और ये आपका पावर फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि इट इज यूज टू रेज 3.0 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। द पावर फंक्शन वर्क्स ओनली विद रियल नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पावर फंक्शन ने, ये जो हमने यूज किया है, ये जो पावर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कीवर्ड कह लीजिए या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कह लीजिए, ये यूज होता है रियल नंबर के लिए। रियल नंबर का मतलब अगर आप इसको 3 भी देंगे तो वो उसको 3.0 कंसिडर करेगा, 2 देंगे वो 2.0, तो इसीलिए मैंने यहाँ 3.0 और 2.0 लिखा हुआ है, ठीक। और ये हमने आपको बता ही दिया, ये मैथ डॉट एच, ये आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हुआ ये भी कि मैथ की हेडर फाइल इंक्लूड करना है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर आप इसको मान लीजिए आपने कहा कि सर ये लाइन हम ना लिखें, तो अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये लाइन मान लीजिए आपने प्रोग्राम में नहीं लिखा, तो जहां पे जैसे ही आप ये यूज करेंगे ना, वो एरर दे देगा कि क्योंकि उसको पावर फंक्शन का नहीं पता है। पावर फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, मैट डॉट एच में, इसलिए इस फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसी तरह और भी कई, अभी आगे हालांकि ये चैप्टर में आएगा डिटेल में, तब भी ऐसी कई और मैथमेटिकल फंक्शन है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का है, स्क्वायर रूट निकालने का है, ठीक है, साइन वैल्यू निकालने का है, कॉस वैल्यू निकालने का है, टेन वैल्यू निकालने का, ये सब मैथमेटिकल फंक्शन आगे अभी आएंगे और ये सब इसी मैथ डॉट एच फाइल में इंक्लूड होते हैं। इसलिए जब भी आपके प्रोग्राम में अगर आप ये फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आप ये स्टेटमेंट प्रोग्राम में दे दीजिए शुरू में, इंक्लूड मैट डॉट एच। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अब इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।